हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है और राहु के साथ होती है, या राहु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ जाता है, तो उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या असर होता है। और 8th हाउस को जैसे हम जानते हैं कि 8th हाउस जो है वो सीक्रेट चीजों का हाउस है। 8th हाउस तंत्रा का, मंत्रा का, मिस्टिसिज्म का, और जो भी सीक्रेट रिसर्च होती है, और जो आपके इन-लॉज होते हैं या जो आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली होती है, उन सब चीजों का संबंध 8th हाउस से जुड़ता है। 8th हाउस जो है वो इन्वेंशन का हाउस है। कुछ भी चीज अगर आप इन्वेंट करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती हैं। मून आपका माइंड, आपका इमोशन, मून का संबंध आपकी मदर से है, मून का संबंध लोगों को केयर करने से है। मून की प्लेसमेंट जहां पर होती है उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन मून की सबसे खास बात यह है कि मून की प्लेसमेंट जहां पर होती है उन चीजों में अगर कभी कोई कमी आती है तो कहीं ना कहीं आप मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन 8th हाउस में मून कंफर्टेबल नहीं होता है, बिकॉज 8th हाउस जो है वो चेंजेस का हाउस है, बदलाव का हाउस है, और मून इन चीजों को लाइक नहीं करता। मून को पसंद है कि जीवन में हर चीज हो, हर चीज आराम से मिले, सुख हो, लेकिन 8th हाउस जो है वो चेंजेस का हाउस है, चीजों को बदल देता है, तो इसलिए मून यहां पर कंफर्टेबल नहीं रहता है। और राहु की प्लेसमेंट भी अगर 8th हाउस में होती है तो 8th हाउस की चीजों को आप जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं और आपकी ये डिजायर होती है कि 8th हाउस के थ्रू आपको जीवन में प्रिविलेज मिले, यानी 8th हाउस के थ्रू आप मेटलिस्टिक गेन कर सके। तो मून आपका 8th हाउस में है, दूसरा राहु भी 8th हाउस में है, तो 8th हाउस की चीजों को मून और राहु दोनों मिलकर एम्पलीफाई कर देते हैं। यानी आप रिसर्च फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको 8th हाउस से संबंधित चीजें मिले। आप तंत्रा को, मंत्रा को, सीक्रेट नॉलेज को, सीक्रेट चीजों को, एस्ट्रोलॉजी को, इन सब चीजों को बहुत गहराई से और बहुत मन से समझना चाहेंगे, क्योंकि राहु यानी आपकी डिजायर वहां पर 8th हाउस में प्लेस्ड है। बट वो सारी चीजें शुरुआती जीवन में बहुत मुश्किल से मिलेगी, बिकॉज राहु जहां पर बैठता है उन चीजों में थोड़ा बहुत डिले कर देता है, लेकिन 42 की एज के बाद वो सारी चीजें हमें मिल पाती हैं। और राहु का एस्पेक्ट भी अगर मून के ऊपर पड़ रहा है तो बात बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे राहु अगर मून के साथ है या राहु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ रहा है तो बिल्कुल बातें दोनों एक सी रहेंगी। तो यहां पर आपको 8th हाउस से संबंधित चीजों को करना तो है, लेकिन अपने इमोशंस को संभाल के रखना है, क्योंकि 8th हाउस की जो चीजें हैं वो बीच बीच में बदल सकती हैं। और आपका माइंड जब 8th हाउस से जुड़ गया है तो आप बीच बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। और आपके इन-लॉज के साथ जो आपके संबंध है वो शुरुआती जीवन में बहुत ज्यादा बिगड़े हुए रहेंगे, क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं और आपकी एक डिजायर भी है वहां से आपको कुछ बेनिफिट मिले। लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस में आपको समझा देता हूं, ये है आपका 8th हाउस, इसको 8th हाउस बोलते हैं। और अगर यहां पर मून की और राहु की प्लेसमेंट होती है या राहु का एस्पेक्ट अगर यहां से मून के ऊपर पड़ता है या राहु यहां पर बैठा हुआ है तो बात दोनों सेम है। तो 8th हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो 8th हाउस में मून और राहु होंगे तो 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप इमोशनली जुड़े हुए होंगे और 8th हाउस की चीजों को समझना चाहेंगे। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में हैं तो उसके लिए अच्छा है, कोई भी सीक्रेट मंत्र अगर आप सीखना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। चीजें आपको मिलेंगी, थोड़ा डिले होने के बाद मिलेंगी, बट चीजों में बीच बीच में बदलाव भी आएगा, यानी आप जिन चीजों को पाना चाहते हैं उन चीजों में थोड़ी बहुत परेशानी भी आएगी। लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपको सपोर्ट कर देता है, 8th हाउस में जो राशि है उसका, राशि का लॉर्ड अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है या अपने एक्जल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, प्लेसमेंट उसकी अच्छी है, फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, तो 8th हाउस की चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, अपने डेबिलिटेशन में है, केतु के साथ है, सैटर्न के साथ है, तो चीजों को मिलने में थोड़ा डिले हो जाता है और कई बार चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो 8th हाउस में अगर मून और राहु है तो इसकी आपको रेमेडी भी करनी चाहिए। अगर मून और राहु 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो मून से संबंधित चीजों का दान करें या मून की चीजों को बहते हुए पानी में बहाएं मंडे वाले दिन, और राहु के लिए जौ का दान करें या थोड़ा सा जौ लेके बहते हुए पानी में बहा सकते हैं मंडे वाले दिन।
तो इस तरीके से आप 8th हाउस से संबंधित चीजों की रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मून और राहु एक साथ अगर 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो चीजें आपको मिल पाती हैं जब जब 8th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है, अदरवाइज आपको ऑल टाइम स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून और राहु के बारे में कि मून और राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है या राहु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ जाता है 8th हाउस में तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।